नमस्कार. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया हैबिटेट सेंटर और मेरे सभी श्रोताओं को, आप सबको, कि आज ही मुझे सुनहरा अवसर मिला एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत होने का. और आज की प्रस्तुति की शुरुआत मैं करने वाला हूँ राग पूरिया धनाश्री से, जो कि बहुत प्राचीन और कहा जा सकता है कि सबसे प्रसिद्ध सायंकालीन रागों में से एक है. और मुझे ये अवसर मिल रहा है कि आप सबके सामने जो घरानेदार तालीम है जो मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत जो भी हम मुझसे हो पाए उसको आगे बढ़ाने का. तो उस राग में राग के अलग अलग अंशों को दिखाते हुए आलाप जोड़ झाला, फिर विलंबित बंदिश तीन ताल, मध्य लय द्रुत और झाला से इसकी समाप्ति करूँगा. उसके बाद एक प्रस्तुति रहेगी मेरी राग भैरवी में, जो कि शुद्ध भैरवी होगी, जिसमें कि जैसे 12-16 को भी भैरवी होता है जिसे हम लोग मिश्र भैरवी या सिंध भैरवी कहते हैं. तो पहले मैं शुद्ध भैरवी की प्रस्तुति करूँगा और उसके बाद उसमें डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि अलग अलग स्वरों को कैसे उसमें प्रयोग किया जाता है. तो इसमें मेरा एक प्रयास रहेगा और फिर अंत में देखते हैं कुछ छोटी धुनें सबके लिए. कुछ फरमाइशें पहले से आ चुकी हैं, तो आप सबका आशीर्वाद लेते हुए धन्यवाद. सिद्धार्थ मेरा छोटा भाई जैसे हैं और पहले भी इनके साथ मैं एक दो शोज में बजा चुका हूँ, और इट्स ऑलवेज रियली अ प्लेजर टू प्ले विद हिम. ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बजाने में. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग विच आई थिंक इट वुड बी अ ग्रैंड शो. बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर को कि एक बार फिर और बहुत ही छोटे अंतराल पर, जस्ट लास्ट मंथ मैंने परफॉर्म किया था, तो एक बार फिर आप सबके सामने सिद्ध वीणा प्रस्तुति का ये अवसर मुझे आप सभी कर रहे हैं. शुरुआत कर रहा हूँ राग पूरिया धनाश्री से. शुरू में आलाप जोड़, उसके बाद दो रचनाएं तीन ताली विलंबित अद्रुत की. आप सबसे आज्ञा लेते हुए राग पूरिया धनाश्री. मेरे साथ तबले पे श्री दीपांकर दास जी हैं, उनका भी स्वागत कीजिए. धन्यवाद. Mm-hmm.